जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल लेटेस्ट लर्न फार्मेसी में। हम पढ़ने जा रहे हैं फिजिकल फार्मास्यूटिक्स की फर्स्ट यूनिट का, जो कि हमारा होगा थर्ड लेक्चर। बहुत दिनों के बाद आ रहा है क्योंकि हम अदर सब्जेक्ट में बिजी थे। तो ठीक है, तो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इसको भी हम जल्दी जल्दी कवर कर लेंगे, 1-2-3 मिनट, बहुत जल्दी इसको भी खत्म करेंगे हम। ठीक है, साइज एंड शेप ऑफ कोलाइडल पार्टिकल, मतलब जो हमारा ये वाला वीडियो आने वाला है वो किसके ऊपर है, साइज एंड शेप ऑफ कोलाइडल पार्टिकल के ऊपर होगा। ठीक है, तो मतलब कहने का क्या है कि जो कोलाइडल पार्टिकल होते हैं उनके कौन कौन से शेप होते हैं और उसके साइज क्या क्या होते हैं। तो शेप वगैरह हम पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं कि मॉलिकुलर डिस्पर्जन होता है, कोलाइडल होता है एंड कोस डिस्पर्जन होता है। इसमें हम शेप के बारे में स्पेशली पढ़ेंगे, बट जनरल टर्म में हम इन सब के बारे में, मतलब मॉलिकुलर डिस्पर्जन, कोलाइडल डिस्पर्जन एंड कोस डिस्पर्जन के बारे में भी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आता है पार्टिकल साइज। ठीक है, तो पार्टिकल साइज क्या, हमारे जैसे हमारा जो कोई पार्टिकल जैसे सस्पेंशन बना रहे हैं तो उसमें पार्टिकल साइज कैसी अपनी भूमिका निभा रहा है, उसकी सेडिमेंटेशन रेट मतलब कैसी होगी, उसकी ग्रेविटेशनल फोर्स पे वो कैसे एक्ट करेगा, इट्यूशन उसका कैसा होगा। तो ईटीसी हमारे जो पार्टिकल साइज पर निर्भर करती है, क्योंकि हम जैसे देखे हमने फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग में हमने पढ़ा है कि अगर किसी भी सरफेस एरिया हम बढ़ा देते हैं तो उसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है। ठीक है, तो द कलर ऑफ कोलाइडल डिस्पर्जन अफेक्टेड बाय द साइज ऑफ द पार्टिकल, मतलब अगर कोई हमारा कोलाइडल पार्टिकल है या कोलाइडल डिस्पर्जन है या डिस्पर्ज फेज है, तो वो क्या होता है कि अपने साइज के साथ साथ अपना बिहेवियर हो गया या उसका अपना कलर हो गया, ये सब चेंज करता चलता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम समझना चाहें, देखिए व्हेन द पार्टिकल साइज ऑफ रेड गोल्ड, मतलब जब रेड गोल्ड का पार्टिकल साइज को हम बड़े साइज में लाते हैं तो ये गोल्ड कलर से चेंज होकर किसमें, ब्लू कलर में हमको दिखने लगता है। तो ठीक है, ये इसका क्या हो गया, इंपॉर्टेंट हो गया। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि पार्टिकल साइज हम पढ़ क्यों रहे हैं। तो पार्टिकल साइज हम इसलिए पढ़ रहे हैं कि कोई हमारा जैसे पाउडर है, तो पाउडर को हमने बड़े फॉर्म में, मतलब उसको जैसे कोई पाउडर है, ये एक हमारा सॉरी इतना बड़ा है, तो इसका कलर कैसा है, जब इतना छोटा हो जाएगा तो इसका कलर कैसा हो जाएगा। तो ये हम इसके अंदर पढ़ते हैं पार्टिकल साइज के अंदर, इसलिए इसका मतलब एनालिसिस भी हम करते हैं। ठीक है, और सेकंड एग्जांपल के तौर पर देखें, व्हेन व्हाइल एनाटॉमी, मतलब एंटीमनी एंड आर्सेनिक ट्राइसल्फाइड, जब एंटी मतलब जबकि एंटीमनी एंड ट्राई आर्सेनिक ट्राइसल्फाइड कन्वर्ट फ्रॉम रेड टू येलो एज सजेशन, और जब एंटीमनी का और आर्सेनिक ट्राइसल्फाइड का आप साइड रिएक्शन कर देते हैं तो ये रेड कलर से येलो कलर में चेंज हो जाते हैं। तो ये आपको मतलब इम्पॉर्टेंट हो गया कि हम पढ़ते क्यों हैं। ठीक है, अब बेस्ड ऑन दी डिस्पर्स फेज, मतलब डिस्पर्स फेज के आधार पे आप किसको, इसको 3 बातों में बांट सकते हैं, किसको, डिस्पर्जन फेज को या डिस्पर्जन मीडियम को, या सीधा सीधा कहिए कि कोलाइडल पार्टिकल्स को। तो पहला क्या है, मॉलिकुलर डिस्पर्जन, दूसरा क्या है, कोलाइडल डिस्पर्जन, तीसरा क्या है, कॉस डिस्पर्जन। तो ये एक करके हम इसके बारे में स्टडी कर लेते हैं। तो ये सब चीज़ मैं आपको पिछली वीडियो में मतलब बता चुका हूँ फिजिकल फार्मास्यूटिक्स से। तो पहला क्या है, मॉलिकुलर डिस्पर्जन। तो मॉलिकुलर डिस्पर्जन में क्या होता है, द साइड ऑफ डिस्पर्ज फेज, मतलब सोल्यूट का फेज, जैसे आप डिस्पर्जन डिस्पर्जन फेज को आप सोल्यूट एंड सॉल्वेंट के माध्यम से समझिए, मतलब डिस्पर्ज फेज का मतलब हो गया सोल्यूट एंड डिस्पर्जन फेज का मतलब हो गया आपका सॉल्वेंट। तो द साइज ऑफ डिस्पर्ज फेज, मतलब सोल्यूट का साइज इज लेस देन 1 mm, 1 नैनो माइक्रोमीटर, 1 नैनोमीटर से भी कम होता है किसका, सोल्यूट सोल्यूट फेज का। दे आर इनविजिबल इन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में भी इनविजिबल होते हैं, मतलब इनको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में भी नहीं देखा जा सकता है। दे कैन पास थ्रू अल्ट्रा फिल्टर एंड सेमी परवियल मेम्ब्रेन, मतलब अगर इसको आपको फिल्टर मतलब फिल्टर करना है या सीधा सीधा कर दें कि इसको आपको पास आउट करना है तो किसे, या तो अल्ट्रा फिल्टर से पास आउट हो सकता है या तो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से, बाकी और कोई जैसे आपका फिल्टर पेपर ईटीसी इसे आपका ये पास नहीं होगा, चाहे जितना आप सक्शन लगा लें चाहे जितना। तो ये हमारा क्या हो गया कि डिस्पर्स फेज, जो इसमें सोल्यूट मॉलिक्यूल बहुत छोटे छोटे बिंदी के रूप में मैंने दिखाया हुआ है, इसी प्रकार से 1 नैनोमीटर से भी इसकी साइज कम होती है, और ये किसमें, जिसमें हमारा बना मतलब घुला हुआ है उसको क्या कहते हैं, डिस्पर्जन मीडियम मतलब सॉल्वेंट। तो अगर हम एग्जाम्पल के समझने से आए तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल हो गया, ऑर्डिनरी आयंस हो गया, ग्लूकोज हो गया, ईटीसी। देन हमारा नेक्स्ट आता है कोलाइडल डिस्पर्जन। तो कोलाइडल डिस्पर्जन की जो साइज होती है वो 1 mm से 0.5 माइक्रोमीटर तक होती है, मतलब जो कोलाइडल डिस्पर्जन की डिस्पर्ज फेज की जो साइज होती है वो कितना होता है, 1 नैनोमीटर से 0.5 माइक्रोमीटर। और 1 नैनोमीटर का मतलब क्या होता है कि आप 1 मीटर का 9 10 की घात 9, मतलब लगभग मतलब 10 की घात 9 बार उसका आप क्या कर दीजिए,
काट दीजिए उसको, मतलब अलग अलग सेपरेट करिए बराबर भाग में, तो उतना बड़ा उसका पार्टिकल साइज होता है। एंड माइक्रोमीटर का क्या मतलब होता है, 10^-6, तो 10^-6 का मतलब क्या हो गया कि आप 1 मीटर को 10^-6 बार क्या करेंगे उसको काटेंगे, देन आपको 10 की 0.5 माइक्रोमीटर या 1 माइक्रोमीटर का आपका साइज मिलेगा। दे आर डिटेक्टेड बाई अल्ट्रा माइक्रोस्कोप, मतलब इसको आप अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से की सहायता से दे सकते हैं। दे पास थ्रू अल्ट्रा फिल्टर, मतलब ये अल्ट्रा फिल्टर से पास हो सकते हैं, एंड सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से भी पास हो सकते हैं। दे डिफ्यूज वेरी स्लोली, मतलब जो इसका डिफ्यूजन रेट होता है वो स्लोली होता है, मतलब कहने का जो डिस्पर्ज फेज डिस्पर्जन मीडियम में जो हमारा क्या करता है डिफ्यूज होता है वो बहुत स्लो होता है। तो यहाँ पे जो गोले की तरफ से देखें आप डिस्पर्ज फेज है, इसका आकार थोड़ा सा बड़ा है, एंड डिस्पर्जन मीडियम में ये क्या है डिफ्यूज है, तो ये स्लो प्रोसेस होती है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे कोलाइडल सिल्वर सॉल्ट नेचुरल एंड सिंथेटिक रबर, चीज हो गया, बटर हो गया, जेली हो गया, मिल्क हो गया, ठीक है। तो इन सब के बारे में हमने डिटेल स्टडी कर ली थी, आप जाके फर्स्ट वीडियो वहां पे जाके देख सकते हैं। देन आता है कोर्स कोलाइडल, तो पार्टिकल साइज ग्रेटर देन 0.5 माइक्रोमीटर, मतलब कोर्स डिस्पर्जन में क्या होता है या कोर्स कोलाइडल में क्या होता है कि जो हमारा डिस्पर्ज फेज होता है उसका जो साइज होता है 0.5 माइक्रोमीटर से भी ज्यादा होता है। दे आर विजिबल अंडर माइक्रोस्कोप, मतलब कहने का क्या है कि माइक्रोस्कोप के अंदर आप इसको देख सकते हैं। दे डू नॉट पास थ्रू नॉर्मल फिल्टर पेपर, मतलब इनका साइज जो इतना बड़ा होता है कि आप नॉर्मल फिल्टर पेपर से इसको आप अलग मतलब फिल्ट्रेट नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे आरबीसी हो गया, इमल्सन हो गया, सस्पेंशन हो गया, एंड सैंड इन वाटर हो गया, नमक इन वाटर हो गया, चीनी इन वाटर हो गया, तो ईटीसी आप इसको अलग नहीं कर सकते, ये किस में आते हैं कोर्स कोलाइडल सेल में। देन आता है हमारा पार्टिकल शेप, ठीक है। तो पार्टिकल शेप, दिस शेप ऑफ कोलाइडल पार्टिकल इज आल्सो इम्पॉर्टेंट, मतलब जो पार्टिकल हमारा होता है उसका जो शेप होता है वो हमारा भी इम्पॉर्टेंट होता है। क्यों होता है इम्पॉर्टेंट देखते हैं ये। ऑन एक्सटेंडिंग द पार्टिकल, मतलब जब हम पार्टिकल एक्सटेंड करते हैं द स्पेसिफिक सरफेस आल्सो गेट इंक्रीज, मतलब कहने का क्या है कि जो उसका सरफेस एरिया होता है वो बढ़ जाता है, और जब सरफेस एरिया बढ़ जाता है तो उसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है, तो देयर विल बी ग्रेटर अपॉर्चुनिटी फॉर अल्टर या अट्रैक्टिव फोर्स। तो चुके देखिए अब यहाँ पर अट्रैक्टिव फोर्स का मतलब क्या हुआ कि जो डिस्पर्ज फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम है उनके बीच में जब अट्रैक्टिव फोर्स अच्छा हो जाएगा, ठीक है। अब जब देखिए क्या है, ये आपका मॉलिक्यूल है आपका डिस्पर्ज फेज का, और इसके सराउंडिंग में आपके क्या लगे हुए हैं डिस्पर्जन मीडियम लगे हुए हैं। तो जब आप इसका सेलेक्शन कर देंगे तो इस डिस्पर्जन मीडियम के प्रति जो इसकी एफिनिटी होगी इसकी मतलब सॉल्यूट मॉलिक्यूल की या डिस्पर्ज फेज की वो ज़्यादा हो जाएगी, और जब ज़्यादा हो जाएगी तो इसमें एसोसिएशन जो होगा वो बहुत ही जल्दी होगा, रैपिड होगा, और बहुत अच्छे तरीके से होगा, जिसका क्या होगा कि जो सॉल्युबिलिटी होगी वो बढ़ जाएगी, ठीक है। अपॉर्चुनिटी फॉर अट्रैक्टिव फोर्स टू स्टेबलाइज बिटवीन द पार्टिकल और डिस्पर्ज फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम, ठीक है। तो वही कह रहे हूँ कि जो मतलब स्टेबलाइजेशन हो जाएगा, और जब स्टेबलाइजेशन हो जाएगा तो इसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी। तो इस कहने का सीधा मतलब है कि पार्टिकल शेप क्यों इंपॉर्टेंट रखता है, क्योंकि जब पार्टिकल शेप की सरफेस एरिया को हम बढ़ाते हैं तो उसकी जो सॉल्युबिलिटी होती है बढ़ जाती है। कैसे बढ़ जाती है, उन दोनों के बीच में, किन दोनों के बीच में, डिस्पर्ज फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम के बीच में, उसके जो बीच के अट्रैक्टिव फोर्स होता है, अट्रैक्टिव फोर्स के कारण ही एसोसिएशन कॉम्प्लेक्स बनता है। अगर उसका एसोसिएशन फॉर्म जो है या फोर्स जो है जो अच्छा होगा तो उसमें जो एसोसिएशन होगा वो भी बहुत ही हायर अमाउंट में होगा, बहुत ही अच्छे मात्रा में होगा, जिसका रिजल्ट क्या होगा कि जो हमारा डिस्पर्ज फेज होगा वो डिस्पर्जन मीडियम में स्टेबलाइज कर जाएगा, मतलब उसको वहां पे कोई भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। वहीं पर लेस साइज ऑफ डिस्पर्ज फेज, अगर डिस्पर्ज फेज की हमारी जो साइज है वो लेस क्या होगी तो इंक्रीज फ्लो, चूंकि हम जानते हैं कि जब हमारा जैसे अब देखिए ये इतना बड़ा कोई हमारा मॉलिक्यूल मतलब डिस्पर्ज फेज इतना बड़ा है तो कौन ये इसका ग्रेविटी में मतलब इसके पे ग्रेविटी ज्यादा लगेगी क्योंकि इसका भार ज्यादा है और इसका भार कम है। तो क्या कहने का मतलब क्या है कि इसकी जो फ्लो रेट होगी वो ज्यादा होगी अकॉर्डिंग टू इसके। तो ये अगर हम साइज को डिक्रीज कर देते हैं डिस्पर्ज फेज की तो सबसे पहला इफेक्ट उसके ऊपर क्या पड़ेगा कि जो उसकी फ्लो रेट होगी वो बढ़ जाएगी। देन क्या होगा, डिक्रीज द सेडिमेंटेशन, क्योंकि आपने सिरप वीरप में देखा होगा या कोई भी एंटीबायोटिक जैसे सेफेक्सिजाइन का आता है, ठीक है, सल्ब्यूटामॉल की जो बच्चों को दी जाती है तो उसमें आप देखें सस्पेंशन बनाना पड़ता है, तो आप कुछ समय के बाद देखते हैं कि वो उसकी जो दवाएं होती हैं वो नीचे सेडिमेंट कर जाती है, मतलब
नीचे बैठ जाती है। कहने का मतलब क्या है, सेडिमेंट कर जाती है। तो अगर आप पार्टिकल साइज का या डिस्पर्स फेज का आप अगर क्या कहते हैं जब साइज उसका कम रखेंगे तो उसमें सेडिमेंटेशन होगा, मतलब जो सेडिमेंटेशन होता है मतलब सोल्यूट का नीचे बैठ जाना, वो उसका जो रेट होता है वो कम हो जाता है। ठीक है, तो पार्टिकल साइज हमारे अलग अलग टाइप के, जैसे स्फीयर एंड ग्लोब्यूल, मतलब गोले टाइप में ग्लोब्यूल्स टाइप के होते हैं, रूट शेप्ड के होते हैं मतलब रॉड शेप के होते हैं, एंड लॉन्ग शेप्ड के भी होते हैं कुछ इस प्रकार से। तो ये सब आपको एग्जाम में बनाना पड़ेगा। द लार्ज सरफेस एरिया ऑफ कोलाइडर पार्टिकल एक्ट एज अ कैटालिस्ट, मतलब कोलाइडर पार्टिकल का जो लार्ज अगर सरफेस एरिया बड़ा होता है तो एक कैटालिस्ट, और कैटालिस्ट का क्या मतलब होता है कि इंडक्शन करना, मतलब उसको इंक्रीज कर देना, एंड इंक्रीज द सॉलिबिलिटी ऑफ द ड्रग, वही जो हमें पहले पढ़ा, मतलब सॉलिबिलिटी ड्रग की सॉलिबिलिटी को बढ़ा देते हैं। इट आल्सो प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग स्टेबिलिटी ऑफ द कोलाइड, मतलब जो पार्टिकल साइज होते हैं वो क्या करते हैं हमको एक इंफॉर्मेशन देते हैं किसके आधार पे हमारा जो कोलाइड्स होगा वो स्टेबल है या नहीं स्टेबल है। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगर वीडियो आपको समझ में आया है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। फ्रॉम द लेटेस्ट लर्न फार्मेसी।